Hello friends, how are you? Hope you are working very hard for your examination. And today I am going to present the names and reviews of some of the books available in the market for lecturer in English first grade. And here is the first book, Arihant. ऐसी बुक है जितने पैसे ये आपसे लेके जाएगी उतना तो आपको देके जाएगी और मार्केट में फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर इंग्लिश के लिए ढेर सारी बुक्स नहीं है जितनी भी हैं कंप्लीट कोई नहीं है अपने आप में कंप्लीट पैकेज जिस बुक को कहा जा सके ऐसी बुक कोई अवेलेबल नहीं है आपको अलग अलग सोर्सेस से अलग अलग चीजें उठानी होंगी अरिहंत उनमें से एक है कुछ एक मिस्टेक्स इसमें हैं बट आपको ये बुक पढ़नी चाहिए और स्टार्ट में नहीं पढ़नी चाहिए दो बार पढ़ने की इसको आवश्यकता नहीं है बट एटलीस्ट एक बार इस बुक को जरूर पढ़े दूसरी बुक जो हम लेने जा रहे हैं वो है अमर उजाला बहुत बड़ी बुक नहीं है प्रिंटिंग भी ठीक ठाक है और एवरेज इसमें पेपर लगाया गया है और जहां तक इसके कंटेंट क्वालिटी की बात है काफी अच्छा कंटेंट है लेकिन इस बुक की एक प्रॉब्लम ये है कि कई बार ये अननेसेसरी रूप से ऐसी चीजों का एक्सप्लेनेशन देने लग जाती है जो एक्चुअली हमें चाहिए ही नहीं और कई बार जिस चीज का एक्सप्लेनेशन हमें चाहिए उसको ये बुक स्किप कर जाती है तो इस बुक की कमी है अमर उजाला की तीसरी बुक जो हम लेने जा रहे हैं वो है सुगम वेरी बिग वेरी थिक लेंथी बुक है और इस बुक को आपको डेफिनेटली पढ़ना चाहिए बट स्टार्ट में नहीं थोड़ी देर बाद में आपको पता होगा कि स्टार्ट में आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए सुगम की बात हम कर रहे हैं रेड कलर में ये बुक आ रही है और काफी अच्छी बुक है अब मैंने अपने फ्रेंड्स से और जो इस क्षेत्र के महारथी लोग हैं उनसे कंसल्ट करने के बाद ये रिव्यू वीडियो में बनाने के लिए बैठा हूँ तो लगभग लगभग सभी ने जो है वो मुझे इस बुक के बारे में पॉजिटिव रिव्यू दिया कि एक ऐसी बुक है जिसको पढ़ा जाना चाहिए बट शुरुआत में आप इस बुक के चक्कर में नहीं पढ़े क्योंकि आप बहुत ज्यादा उलझ जाओगे शुरू में एक ऐसी बुक पढ़े हम बाद में देखेंगे कौन सी बुक पढ़नी चाहिए आपको स्टार्ट में एक ऐसी बुक पढ़े जो क्विकली आपको सभी चीजों के थ्रू ले जा सके क्योंकि सुगम जैसी बुक के चक्कर में आप स्टार्ट में पढ़ोगे तो ये आपको बहुत गहरा ले जाएगी और वहां पर आप कहोगे ओह क्या हुआ नेक्स्ट हम बात करेंगे दक्ष अच्छी बाइंडिंग अच्छे पेपर के साथ आने वाली एक मस्ट रीड बुक है और जहां तक मिस्टेक्स की बात है इस बुक में आपको वो मिस्टेक्स मिलेंगे लेकिन कभी कभी ऐसी बुक जिसमें मिस्टेक्स हैं वो आपको तब फायदा पहुंचा सकती है यदि आपको पहले से कुछ कुछ नॉलेज है कहते हैं सामने वाला झूठ बोल रहा हो आपको तब उसमें मजा आता है यदि आपको पता हो सच क्या है तो ये इसी तरह की बुक है आप इसको एंजॉय करेंगे और कभी कभी बुक में गलतियां निकालना भी बड़ा मजेदार होता है लेकिन बहुत ज्यादा रिलायबल बुक नहीं है आंख मूंद करके आप इसके ऑप्शंस के जो आंसर्स दिए हुए हैं उस पर बिलीव नहीं कर सकते बट ये बुक आपको काफी कुछ सिखा कर जाएगी चाहे गलत क्वेश्चंस के थ्रू भी क्यों नहीं लेकिन हर एक क्वेश्चन गलत नहीं है कहीं कहीं बीच बीच में कुछ एक गलतियां इस बुक में आपको मिलेंगी नेक्स्ट बुक जो हम लेने जा रहे हैं वो यस पीसीपी की और ये भी अच्छी बुक है उतनी मिस्टेक्स नहीं है जितनी आप इससे पिछले वाली बुक में हम बात कर रहे थे इस बुक को भी आपको पढ़ना चाहिए आप पढ़ सकते हो पैसा अगर इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो पैसे आप तैयारी कर रहे हो पैसे की बात तो आपसे करना ही बेमानी है बात तो करनी चाहिए टाइम की टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट देन मनी फॉर यू अगर आपको अच्छी बुक मिल रही है अच्छी कोचिंग मिल रही है गो फॉर इट लेकिन वो अगर आपके पैसे डूब गए That's not a big deal, but अगर आपका समय खराब हो गया ना that is a big deal, क्योंकि क्या समय वापस नहीं आ सकता तो इस बुक को आप पढ़ सकते हैं अगर आपके पास plenty of time है लेकिन उतनी reliable नहीं है ये बुक जैसे मैंने आपको पहले बताया मार्केट में एक सिंगल बुक ऐसी नहीं है जिसपे आप पूरी तरह से rely कर सको नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रतियोगिता साहित्य की छोटी सी बुक आ रही है और बहुत ज्यादा कुछ कवर नहीं करती है लेकिन फिर भी आपको बीच बीच में कभी कभार टाइम मिले इस बुक को पढ़ना चाहिए क्योंकि ये बुक आपका सिलेबस तो कवर नहीं करेगी लेकिन कुछ कुछ ऐसी बातें आपको सिखा जाएगी जो आपको किसी भी अन्य बुक में नहीं मिलेंगी इस बुक की यही खासियत है ये ऐसी ऐसी बातें करने लग जाता है जो आपने अन्य बुक्स में पढ़ी नहीं होंगी लेकिन ये आपकी सिलेबस को कवर नहीं करेगी हाँ इसको अगर आप स्किप कर दें नहीं ही पढ़े तो चलेगा हाँ अगर आपके पास समय है आप कुछ वैरायटी चाहते हो
तो नॉन सीरियस होकर के, सीरियस होकर इस बुक को नहीं पढ़े, नॉन सीरियस माइंड से आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। जो हम बुक लेने जा रहे हैं वो है जेपीएम की, संजय दत्ता की, और जितनी भी बुक्स की अभी तक मैंने बात की है उनमें अगर मेरे विचार में और जितना भी मैंने इस टॉपिक पर रिसर्च किया है, महारथियों से इस बारे में बात की है जो अपने अपने क्षेत्र के बड़े ही सिद्ध हस्त हैं उनसे मैंने बात की है, इस बुक को सबसे ज़्यादा पॉइंट्स मिले हैं उस डिस्कशन में। जेपीएम की, संजय दत्ता की ये वाली जो बुक है, ये बुक उन बुक्स से ज़्यादा रिलायबल है। तो मेरी सलाह में ये बुक आपको दो बार पढ़नी चाहिए। कब? एक स्टार्ट में, ये बुक दो पार्ट में आती है, साइकोलॉजी का अलग पार्ट है इसका और अन्य टॉपिक्स का अलग पार्ट है। काफ़ी अच्छी बाइंडिंग है, प्रिंटिंग है, पेपर बहुत अच्छा है। ये बुक मैं आपको दो बार पढ़ने की सलाह दूंगा। स्टार्ट कीजिए इस बुक से, आप अपनी तैयारी इस बुक से स्टार्ट कीजिए और इसी बुक पे ख़त्म भी कीजिए। और साइकोलॉजी का जो इसका पार्ट है, ठीक है, उसकी लैंग्वेज ग्रामर बड़ी ही टफ है। फर्स्ट बार जब आप पढ़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ क्लियर नहीं हो पाएगा, लेकिन इस बुक को स्टार्ट में पढ़िए और फिर आप और बुक्स पढ़िए और फिर एंड में जब आप इस बुक को दोबारा पढ़ोगे तो इसकी जो टिपिकल लैंग्वेज जो आपको फर्स्ट टाइम में समझ नहीं आई थी वो बातें बहुत सारी आपके सामने क्रिस्टल क्लियर होती चली जाएगी। तो वेरी गुड बुक और आपको इसको मस्ट रीड, यू हैव टू रीड इट। बात हम लेने जा रहे हैं अपनी पोथी की, ये जो साइकोलॉजी की बुक है, बड़े ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट से इस बुक को लिखा गया है। डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन इसमें नहीं है, क्वेश्चन उठाए गए हैं, एक क्वेश्चन लिया जाएगा जो पीछे के एग्जाम्स में अपीयर हुआ है, उसके ऑप्शन पर उसी जगह पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो इसकी जो कंसेप्ट है वो बड़ी टू द पॉइंट रहती है, टू द पॉइंट रहती है। ये रेफरेंस बुक नहीं हो सकती कि आप इसको खोले और कोई टॉपिक सर्च करें और उसको रीड कर ले। नो, इट्स नॉट अ रेफरेंस बुक। हाँ, इसमें एक्सप्लेनेशंस बहुत बढ़िया टू द पॉइंट दिए हुए हैं, मस्ट रीड बुक है साइकोलॉजी के लिए। साइकोलॉजी के लिए आपको इसको अवश्य पढ़ना चाहिए, लेकिन साइकोलॉजी की स्टार्टिंग इस बुक से नहीं करें क्योंकि आप बहुत कुछ फिर प्राप्त करने वाले नहीं हैं इस बुक से, क्योंकि इसमें डायरेक्ट एक्सप्लेनेशंस दिए हुए हैं। नेक्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं साइकोलॉजी के लिए ही, मनोविज्ञान के लिए ही, पीटी पाठक की जो बुक है बहुत ही इंटरेस्टिंग और मस्ट रीड बुक है। साइकोलॉजी में हमेशा स्टूडेंट्स को दिक्कत रहती है क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है, बड़ा ही टेढ़ा मेढ़ा है और कोई भी बुक जो है इसको थर्डली कवर नहीं कर पा रही है। पीटी पाठक की ये बुक जो है वो अन्य बुक्स से बहुत बेहतर है। इसको आपको कम से कम दो बार पढ़ना चाहिए, स्टार्टिंग इससे करें और ख़त्म इससे करें। और मेरे एक फ्रेंड हैं, बहुत अच्छे ग्रामरियन हैं, नाम है उनका सलामत अली जी। हेलो सलामत अली जी, हाउ आर यू, होप यू आर डूइंग वेल। और आपने इस बुक को बहुत ज़्यादा रेकमेंड किया है, बिल्कुल, और मैंने भी जो रिसर्च की है इस बुक को सबसे ज़्यादा रिव्यूज़ मिले हैं, लगभग कवर कर दी है। एंड थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी, और आपके माध्यम से और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स डेफिनेटली इससे बेनिफिट लेने वाले हैं। अभी तक जो हमने बात की जितनी भी बुक्स की, वो बुक्स ओके हैं लिटरेचर पार्ट के लिए और साइकोलॉजी के लिए, ग्रामर के लिए क्या किया जाए? तो फ्रेंड्स, अगर आपने सेकंड ग्रेड के भी एग्जाम दिए उसमें आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो तो बहुत बुरी बात है आपके लिए, अच्छी नहीं कहूंगा। ग्रामर उस लेवल की नहीं है, यहां पर ठीक ठाक ग्रामर है और अच्छी ग्रामर है जो एक्चुअली चलती है, वो ग्रामर फर्स्ट ग्रेड में है। तो इसके लिए अगर आप अलग से बुक पढ़ना चाहते हैं तो जो आप मैंने आपको पहले कुछ बताई हैं उन सब में थोड़ा बहुत ग्रामर का पोर्शन दिया हुआ है, लेकिन अगर आप थोड़ा स्पेसिफिकली पढ़ना चाहते हैं तो रेनन मार्टिन है, इसका कोई सानी नहीं है, चूज करें। हाँ, सारे टॉपिक नहीं पढ़े इसमें से, सारे टॉपिक है भी नहीं सिलेबस के अंदर। जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में है वो इस बुक में से पढ़े, और थॉमसन एंड मार्टिनेट की जो बुक है ये वाली, इसमें से भी कुछ टॉपिक आप पढ़ सकते हैं जो जो आपके सिलेबस में है। तो डियर फ्रेंड्स, दिस वाज द रिव्यू ऑफ सम ऑफ द बुक्स अवेलेबल इन मार्केट फॉर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम ऑफ लेक्चरर इन इंग्लिश। एंड थैंक यू सलामत अली जी फॉर हेल्पिंग मी एंड my other friends who helped me prepare this list and present the reviews.
जल्दी मेरे कुछ मित्र कुछ मेरे स्टूडेंट्स बार बार ये पूछ रहे हैं वेदर दे शुड गो फॉर द कोचिंग और नॉट। इस पर मैं एक पूरा वीडियो बना रहा हूँ लेकिन बिना रिसर्च के मैं कोई बात नहीं करता हूँ, इधर उधर से सुनी हुई बात नहीं, पूरी रिसर्च में करता हूँ उसके बाद। तो प्रिय मित्रों रिसर्च उस पर चल रही है, कौन कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स राजस्थान में अच्छे हैं, मैं उनके बारे में आपके सामने एक रिव्यू लेकर के आऊँगा। और कोचिंग करना जरूरी है या नहीं, और करें तो क्यों करें, और करें तो कैसे करें। तो मैंने आपको जैसे पहले बताया था मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट हियर, व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज योर टाइम। प्लीज सब्सक्राइब मी, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। थैंक यू, गुड।